नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। रुद्रपुर से किच्छा रोड पर सड़क पार करते समय एक कार ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हैरानी की बात तो ये रही कि घटना के बाद लोग तमाशबीन होकर युवक को देखने लगे, लेकिन इसी बीच वहां से गुजर रहे एक सीपीयू के कर्मचारी ने युवक को वहां से तत्काल उठाया और टुकटुक के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर युवक का इलाज किया जा रहा है। वहीं पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रही वीडियो में कार की टक्कर से युवक काफी ऊपर उछला और फिर जमीन पर गिर गया। इधर घायल हुए युवक को लोग अस्पताल ले जाने की बजाय वीडियो बनाने में जुटे रहे। इस दौरान मौके पर पहुंचे सीपीयू के कांस्टेबल दीपक भट्ट ने मानवता का परिचय देते हुए घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक चावला स्टील किच्छा रोड के पास अज्ञात कार द्वारा सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि राहगीर तुरंत गाड़ी से टकराकर छटक गया और बुरी तरह से तड़पने लगा। आसपास के लोग तमाशा बनकर वीडियो बनाते रहे। तभी वहां पर ड्यूटी के लिए जा रहे सीपीयू कांस्टेबल दीपक भट्ट द्वारा अपनी कार रोककर तुरंत संबंधित चीता को कॉल की गई और कंट्रोल रूम को बताया गया और सीपीयू कर्मचारी द्वारा बिना समय गवाए खुद घायल युवक को अपने हाथों में उठाकर ई रिक्शा से अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और वह आईसीयू में भर्ती है। भर्ती करे गए युवक की पहचान बरेली निवासी गोपाल प्रजापति के रूप में हुई है। कल दिनांक 19 सितंबर 2022 की है। दिन में 3 बजे के आसपास मैं अपने घर भगवाड़ा से डीडी चौक ड्यूटी के लिए रवाना था, तो मेरे द्वारा देखा गया कि चावला स्टील किच्छा बाईपास के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है और जाम की स्थिति बन रही है। मैंने अपनी गाड़ी किनारे लॉक करी, उसके बाद मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो मेरे द्वारा देखा गया कि वहां पे एक व्यक्ति सड़क पे बदहवास स्थिति में पड़ा है, जिसका बहुत सारा खून बह रहा है और उसके पैर थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। आसपास के लोग वीडियो बना रहे थे तो मेरे को लगा कि मुझे इसको जल्दी रिस्पॉन्स करना चाहिए। मैंने पूछा कि भैया आपने एम्बुलेंस को कॉल किया, तो उन्होंने कहा एम्बुलेंस को कॉल कर दी गई है लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो मेरे द्वारा तुरंत क्विक रिस्पॉन्डर के रूप में तुरंत उसको उठाया गया और पास में स्थित एक ऑटो रिक्शा में उसको ले जाकर एक व्यक्ति की मदद से मेडिसिटी में एडमिट कराया गया, जहां पे इमरजेंसी में उसका इलाज चल रहा है। और रात्रि में जब मैं उसके पास पहुंचा ये पता करने की उसकी स्थिति कैसी है, तो मुझे बताया गया कि वो इस समय वेंटिलेटर में है, आईसीयू में भर्ती है और उसके परिजनों को खबर कर दी गई है। तब तक उसके परिजन उपस्थित नहीं थे और अभी इसकी स्थिति आज पता किया गया तो उसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है और उसकी जान को खतरा नहीं है अभी फिलहाल। तो अभी के लिए हमारे इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।